हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा, वेलकम टू द अनदर ऑनलाइन वीडियो फारसी एजुकेशन हब बांसुर। सो लेट्स कंटिन्यू चैप्टर नंबर 4 क्लास 11 एनिमल किंगडम। बिफोर दैट वी वर डिस्कस्ड अबाउट द इकाइनोडर्मेटा व्हिच हैविंग द कैल्केरियस ओसिकल्स फॉर्मिंग द एंडोस्केलेटन। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द हेमीकोरेटा। सो बेटा, एज द नेम सजेस्ट यू हेमी सेमी, ओके, इट मीन्स द हाफ। देखिए, पहले इसको एंशियंट टाइम में ऐसा समझा जाता था दैट इट इज द सब फाइलम ऑफ कोरेटा। ओके, इट इज द सब फाइलम ऑफ कोरेटा, बट लेटर ऑन इट शुड बी कैप्ट इन टू द अनदर सेपरेट फाइलम, हेमी कोरेटा। इज दैट क्लियर? तो देखिए, इसमें क्या होता है, ऐसा माना जाता था कि इसकी कुछ जो प्रॉपर्टीज हैं वो कोरेटा से रिजेंबल करती हैं। तो लेट्स डिस्कस अबाउट इट। देखिए, इसमें जो ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स हैं वो वॉर्म लाइक ऑर्गेनिजम्स हैं एंड विच आर मरीन। ओके, यानी वॉर्म लाइक स्ट्रक्चर है इनका, कीड़े की तरह, और ये क्या है, मरीन एनिमल्स हैं, यानी साल्टी वाटर में मिलते हैं। इज इट क्लियर? बाकी इसके कॉमन फीचर्स हैं, बायलेटरली सिमेट्रिकल है, ओके, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक है एंड सिलोमेट है। देखिए, अब इसके जो पेकुलियर फीचर है, अगर हम बॉडी की बात करें तो बॉडी डिवाइडर होती है मेनली थ्री पार्ट्स में, ओके, हेड, ट्रंक एंड हेड, कोलर एंड ट्रंक। इज दैट क्लियर? तो इस टाइप की बॉडी होती है इसमें, जैसे मेलानोब्लास्ट्स की अगर हम बात करें तो कुछ इस तरह की बॉडी होती है। इज दैट क्लियर? ये जो अपर पार्ट है दैट इज नोन एज प्रोबोसिक्स, प्रोबोसिक्स, ओके, यानी हेड, यानी मेन, इसका जो मेन पार्ट है दैट इज प्रोबोसिक्स, प्रोबोसिक में डिवाइड है। सेकंड पार्ट है दैट इज नोन एज कोलर, और जो थर्ड पार्ट है दैट इज नोन एज ट्रंक। ओके, तो बॉडी कितने थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्रोबोसिक्स, कोलर एंड ट्रंक। ओके, अब देखिए, प्रोबोसिक्स में प्रेजेंट होती है प्रोबोसिक्स ग्लैंड। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, प्रोबोसिक्स ग्लैंड, इसके अंदर प्रेजेंट होती है प्रोबोसिक्स ग्लैंड। इज दैट क्लियर? और इसके अंदर जो कोलर वाला पार्ट है इसमें प्रेजेंट होते हैं गिल्स। अंडरस्टैंड बेटा? तो देखिए, इसमें हेमीकोरेटा है तो इसका जो मेन पार्ट क्या है कि भाई इसमें जो बॉडी ऑर्गेनिज्म की दैट इज डिवाइडेड इनटू द थ्री पार्ट, प्रोबोसिक्स, कोलर एंड ट्रंक। ओके, प्रोबोसिक्स में प्रोबोसिक्स ग्लैंड होती है जिनका मेन फंक्शन क्या है, एक्सक्रिएशन, और कोलर में गिल्स होते हैं जिसका मेन फंक्शन है रेस्पिरेशन। ओके, सो बॉडी सिलेंड्रिकल होती है, शेप में आपको दिखाई दे रही है कि कैसी होती है, सिलेंड्रिकल है। एग्जांपल इसका मेलानोब्लास्ट्स है। ओके, बॉडी सिलेंड्रिकल है, डिवाइडेड इनटू द थ्री पार्ट्स, प्रोबोसिक्स, कोलर एंड ट्रंक। ओके, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है। ओपन टाइप इट मीन्स द बॉडी इज फिल्ड विद द ब्लड वेसल्स, ब्लड, एंड दे डू नॉट हैविंग द ब्लड वेसल्स, इट मीन्स नो ब्लड वेसल्स, किसी भी तरह की कोई भी ब्लड वेसल्स इसमें प्रेजेंट नहीं होती है। ओके, आर्टरीज, वेन्स, जो भी कैपिलरीज हैं। एक्सक्रेटरी सिस्टम प्रोबोसिक्स ग्लैंड आई एम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यानी प्रोबोसिक्स पार्ट से आप प्रोबोसिक्स ग्लैंड भी याद रखेंगे जिसका मेन क्या फंक्शन है, एक्सक्रेशन, और कोलर रीजन में क्या होते हैं, गिल्स होते हैं जिसका फंक्शन क्या है, रेस्पिरेशन। ओके, सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मेल और फीमेल दोनों डिफरेंट होते हैं। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, यानी इसमें लार्वल फॉर्म होते हैं डायरेक्ट, जो है बेबी से डायरेक्ट एडल्ट की फॉर्म नहीं होती है, बल्कि कुछ लार्वल स्टेजेस भी इसमें बीच में आता है। ओके, फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, एक्सटर्नल होता है। इज इट क्लियर बेटा? सो दिस इज ऑल ओवर अबाउट द हेमीकोरेटा। ओके, सो वी डिस्कस अबाउट इट, तो आप इसको समझ लेंगे, नोट्स आपको रेडी करने हैं। ओके, लाइक, कमेंट एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। गुड बाय।